हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस फीचर से होता यह है कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आधी स्क्रीन में कोई दूसरी ऐप यूज़ कर सकते हैं और आधी स्क्रीन में कोई और ऐप यूज़ कर सकते हैं। एक स्क्रीन पर दो ऐप्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं कोई भी पहले ऐप ओपन कर लेता हूँ स्प्लिट स्क्रीन मोड में यूज़ करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर सिक्योरिटी पर क्लिक करता हूँ और ये ओपन हो चुकी है, और दूसरी मैं कैलकुलेटर पर क्लिक कर देता हूँ। और अब ये यहाँ पर रीसेंट, यहाँ पर चली जाएगी रीसेंट टास्क में। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस बटन पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर जो ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना है स्प्लिट स्क्रीन, और फिर हमें जो आपको ऊपर वाली स्क्रीन में ऐप चाहिए उसे हम ऐसे लॉन्ग प्रेस करके ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ दिस ऐप डज नॉट सपोर्ट स्प्लिट स्क्रीन। तो ये फ़िलहाल अभी सपोर्ट नहीं कर रही, तो मैं गैलरी पर करके दिखा देता हूँ। गैलरी पर क्लिक करेंगे और इसे ऐसे ऊपर सेट कर देंगे और ये सेट हो जाएगी। फ़िलहाल इसे लॉक लगा हुआ है। तो दूसरी ऐप पर अगर आप दूसरे ऐप नीचे यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली आप अब क्लिक कर देंगे दूसरी वाली पर कोई भी। जैसे मैं कैलकुलेटर पर क्लिक कर देता हूँ और ये नीचे यहाँ पर यूज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसे ही हमें स्प्लिट स्क्रीन मोड का यूज़ करना है। दोस्तों ये वाइट वाइट जो दिख रहा है हमें, इसे हम ऐसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे वाली ऐप बड़ी हो जाएगी। अगर आप इसे नीचे की ओर ऐसे करेंगे तो ऊपर वाली ऐप जो है वो बड़ी दिखनी शुरू हो जाएगी। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अगर आप स्प्लिट स्क्रीन से बाहर आना चाहते हैं और एक ही ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो इस वाइट वाली को यहाँ पर बिल्कुल ऊपर लेके जाएंगे और ये एक ऐप खुल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक और तरीका है स्प्लिट स्क्रीन मोड यूज़ करने का, फिर से हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और अब दोस्तों हमें यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर देना है और फिर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, ये जो सेकंड ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे और ये अपने आप ऊपर सेट हो जाएगी ऐप। और फिर हमें दूसरी ऐप जो भी सिलेक्ट करनी है वो हमें ऐसे टच कर देंगे और वो यहाँ पर शो होने लग जाएगी।